हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं मिर्ची वड़ा, या फिर आप इसको मिर्ची के पकौड़ा भी कह सकते हैं। स्टफ़ मिर्ची का पकौड़ा है बनता है ये, और बहुत ही टेस्टी और सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है चटपटी सी स्नैक के रूप में। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका बैटर बनाएंगे। तो एक बर्तन ले लेते हैं, इसमें एक कप बेसन डाला है हमने, और जितना बड़ा कप डाला उसका एक चौथाई कप हमने इसमें सूजी डाली है ताकि इससे कुरकुरापन आए हमारे वड़े में। मिक्स कर देंगे अच्छे से। और अब इसमें मसाले डालते हैं। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर एक चौथाई चम्मच, गरम मसाला एक चौथाई चम्मच, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अजवाइन डालेंगे आधे चम्मच, इसको हाथों में इस तरीके से लेके थोड़ा सा क्रश किया है ये इसमें डाल देते हैं। और एक चौथाई चम्मच हमने इसमें ये बेकिंग सोडा डाला है, इससे जो बैटर है हमारा काफ़ी फूला फूला बनेगा, तो अच्छे से जो वड़ा है हमारा तैयार होगा। तो मिक्स कर लेते हैं इन सबको, और अब इसको पानी डाल के इसमें हम बैटर बनाएंगे। तो एक कप पानी लिया है मैंने पहले, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, एक साथ सारा पानी ना डालें वरना जो बैटर है हमारा काफ़ी गीला हो जाएगा। हमें मीडियम बैटर बनाना है इसका, एकदम पतला भी नहीं और एकदम थिक भी नहीं बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करते रहें। तो ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा बीच में पानी डाल के मैं इसमें अच्छे से इसको मिक्स करके इसका बैटर बनाऊँगी। और एक भी लंग्स नहीं होना चाहिए हमारे बैटर में। तो ये देखिए, बैटर जो है हमने तैयार कर लिया है। तो ये हमारा 1.5 कप हमारा पानी लगा है पूरा बैटर तैयार होने में। और अभी इसको हम रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा बैटर जो है फूल जाए। देखिए इस तरीके का, इतना हमने गाढ़ा ये बैटर तैयार करा, एकदम पतला बैटर नहीं बनाना है वरना ये वड़े पर अच्छे से लगेगा नहीं। और अब इसको हम साइड में रख देते हैं। तो अभी हम मिर्ची पे आते हैं। तो देखिए, इस तरीके की मिर्ची मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। ये बड़ी वाली मिर्ची ली है मैंने ताकि हम इसके अंदर अच्छे से स्टफिंग कर सकें। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन मिर्चियों को हमने अच्छे से पहले वॉश कर लिया था, और अब इसमें हम देखिए इस तरीके से बीच में कट लगा लेंगे ताकि हम इसके अंदर स्टफिंग कर सकें। और जो आप ये बीज देख रहे हैं इनको हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जब हम वड़ा या पकोड़ा खाएंगे तो ये खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बीज अगर आपके मुंह में आता है तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं थोड़ा सा चाकू से मैंने उसको कट कर लिया अंदर डाल के, और अब इस तरीके से फिंगर से मैं इसको ये बाहर निकाल दूँगी, और इसको एकदम हम खाली कर देंगे अंदर से ताकि जब स्टफिंग भरें तो अच्छे से इसके अंदर स्टफिंग भर सके। तो ये देखिए, इस तरीके से बहुत ही थोड़ा आराम आराम से करना है, क्योंकि मिर्ची जो है हमारी वो टूट सकती है। तो ये देखिए, आराम आराम से इस तरीके से हम ये मिर्ची जो है अंदर से एकदम क्लीन कर लेंगे। और सारी मिर्चियों को भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे, पहले एक साथ करके रख लेंगे, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से ये मिर्ची को हमें एकदम खाली कर लेना है। तो आगे भी देखिए, ये मैंने सारी की सारी मिर्चियाँ इसी तरीके से मैंने एकदम अंदर से खाली कर ली हैं। तो अब हम स्टफिंग बनाते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए गैस पे हम कढ़ाई रख देंगे, और इसमें 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल डाल देंगे स्टफिंग बनाने के लिए। तो तेल को गर्म होने देते हैं। तो तेल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। तो इसमें हम 1/4 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच हमने इसमें सौंफ डाली है। सौंफ से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप साबुत धनिया डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। और एक मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच अदरक कद्दूकस करा हुआ, और 1 चम्मच लहसुन। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आप इसमें प्याज खाना चाहते हैं तो आप इसमें प्याज ऐड भी कर सकते हैं। तो सभी को थोड़ा सा गोल्ड फ्राई होने देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा भून लेते हैं इन सभी चीज़ों को। ज़्यादा इसको नहीं भूनना है हमें, बस हल्का सा ही इसको भूनना है ताकि इसका कच्चापन चला जाए लहसुन का थोड़ा सा। और ये देखिए, मसाले जो ये फ्राई हो चुके हैं, लहसुन और अदरक। तो इसमें हम 1/2 कटोरी मटर डाल देंगे। फ्रोज़न मटर नहीं है ये, नॉर्मल वाली फ्रेश मटर है, ये डाल देते हैं और इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं मटर जो है हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब इसमें मसाले ऐड करते हैं। तो 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा भून लेते हैं मसालों को। और अब इसमें हम आलू ऐड करेंगे।
तो आलू ऐड करने के लिए ये मैंने 5 से 6 आलू लिए हैं उबले हुए। इनको पहले मैं हाथों से थोड़ा सा मैश कर लूँगी। ये देखिए आलू को हमने मैश कर लिया है, ये भी इसमें डाल दूँगी और इसको हम मसाले के साथ में मिक्स करके थोड़ा सा भून लेंगे। और इनको अभी इतना हमें मोटा नहीं रखना है, इन्हें ऑन मैश करना है, तो इसी तरीके से चलाते हुए इसको मैश भी करते रहें आलूओं को। तो ये देखिए 1 मिनट के लिए इसको इस तरीके से हम चलाएंगे, 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से इसको भूनना है और आलू को भी हमें साथ साथ मैश करना है। और अब इसमें हम 1/2 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 चम्मच अमचूर पाउडर खट्टेपन के लिए और 1/4 चम्मच इसमें गरम मसाला डालेंगे। नमक 1/2 चम्मच, नमक आप कम डालें क्योंकि हमने बैटर में भी नमक डाला है, तो आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब इसको इस तरीके से चलाते हुए सभी मसालों को ये देखिए मैश करना है। तो जो आलू है वो हमारा अच्छे से मैश हो चुका है और मसाले भी हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, तो स्टफिंग जो है हमारी डन हो चुकी है। तो इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो डालें वरना स्किप कर दें। तो धनिया डाल के भी इसको मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो स्टफिंग जो है हमारी तैयार हो चुकी है, तो इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, उसे ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसे मिर्चियों में स्टफ़ करेंगे। तो स्टफिंग देखिए हमारी ठंडी हो चुकी है, इसे दूसरे एक बर्तन में निकाल लिया मैंने, अब मिर्चियों में इनको स्टफ़ कर देंगे जो हमारी स्टफिंग है। तो एक स्पून में इसको ले लेते हैं पहले भर के, और ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा गैप है जो इसके अंदर, इस तरीके से स्टफ़ करेंगे। ये देखिए बहुत ही आराम आराम से इसको हमें स्टफ़ करना है ताकि मिर्ची जो है हमारी टूटे नहीं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके स्टफिंग डालें। ये देखिए इस तरीके से थोड़ी थोड़ी करके अच्छे से हम हाथों से प्रेस करके डालेंगे ताकि जो स्टफिंग है हमारी पूरी मिर्ची में अच्छे से चली जाए, ताकि पूरा फ्लेवर आए अंदर स्टफिंग का। तो अच्छे से दबा दबा के मैं इसमें स्टफ़ कर रही हूँ। ये देखिए इसी तरीके से, तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि अच्छे से मैंने दबा दबा के अच्छे से स्टफिंग अंदर डाली है और ये पूरा भर चुका है। और ये देखिए अच्छे से ये जो है स्टफिंग हमारे अंदर चली गई है। तो अब इसको हम साइड में रखते हैं। तो ऐसे ही सारी मिर्चियों को हम तैयार करेंगे, सारे मिर्चियों में इसी तरीके से स्टफिंग डालेंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से हमने सारी मिर्चियों में स्टफिंग भर ली है अच्छे से। ये देखिए आप देख सकते हैं सारी मिर्चियाँ हमने तैयार कर ली हैं। तो अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए पहले बैटर देख लेते हो, आप देख सकते हैं बैटर हमारा काफ़ी पहले से भी और गाढ़ा हो चुका है क्योंकि जो सूजी हमने इसमें डाली थी वो फूल चुकी है। तो बैटर हमारा ही तैयार है, तो हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए, तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है अच्छे से। तो एक मिर्ची लेंगे, देखिए इस तरीके से इसमें ऊपर की डंडी पकड़ के इस तरीके से देखिए इसमें बैटर लगाएंगे अच्छे से, ताकि पूरी मिर्ची पे हमारा जो बैटर है वो अच्छे से लगे। ये देखिए अच्छे से डिप करके इसको आपको लगाना है बैटर को, ताकि अच्छे से जो मिर्ची में बैटर है वो लग जाए। और उसके बाद हम इसे फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल देंगे। तो तेल जो है हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो ये देखिए मिर्ची हमने इसमें डाल दी है, एक एक करके हम सारी मिर्चियाँ इसमें डालेंगे। ये देखिए एक एक करके मैं इसको डाल रही हूँ और फ्लेम को अब हम मीडियम कर देंगे, एकदम हाई फ्लेम पे इसको नहीं बनाएंगे क्योंकि मिर्ची जो है वो हमारी कच्ची है, तो मिर्ची को भी हमें पकाना है, ऊपर से बैटर भी पकाना है। तो अगर हम हाई फ्लेम पे इसे पकाएंगे तो बैटर जो है वो हमारा ऊपर से पक जाएगा और अंदर से मिर्चियाँ जो है वो कच्ची रह जाएंगी। तो इसलिए थोड़ा हम मीडियम फ्लेम कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, उसके बाद हम फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि मिर्चियाँ जो है वो भी अंदर से थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए इसी तरीके से इसको थोड़ा चलाते हुए हमें इसे फ्राई करना है जब तक ऊपर से जो बैटर है वो एकदम गोल्डन ब्राउन सा नहीं हो जाता। तो देखिए आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो कलर है वो चेंज होने लगा है। अब फ्लेम को भी हमने हाई कर दिया है, अच्छे से फ्राई हो रही है मिर्चियाँ हमारी। तो ये देखिए थोड़ा सा इसको पलट पलट के हमें अच्छे से सभी जगह से सेकना है ताकि सभी जगह से जो बैटर है वो हमारा पक जाए और ये थोड़ी सी क्रंची सी और अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए इसमें। तो बहुत ही आसानी से पर बहुत ही टेस्टी बड़ा ये मिर्ची पक्के पकौड़े बनते हैं, तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए एक जो मिर्ची हमने निकाल ली है, अच्छे सा गोल्डन सा कलर आ गया है, अच्छे से कुक हो चुकी है अंदर से भी और ये ऊपर से भी इसका बैटर अच्छे से कुक हो चुका है। तो सारी मिर्चियों को हम निकाल लेते हैं। देखिए तो एक जो बैच हमारा डन हो गया है, सारी मिर्चियाँ हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। तो देखिए हम सर्व कर लेते हैं इसको। तो मैंने ग्रीन चटनी और टमाटो सॉस के साथ इसे सर्व करा है, एक एक करके मैं प्लेट में रख रही हूँ। तो आप देख सकते हैं देखने में कितनी टेस्टी लग रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें
और सर्दियों में गरम गरम मिर्ची वड़ा के मज़े लें। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा ऊपर से इसे चाट मसाला डाला है ताकि और भी टेस्टी लगे। और मैं अब आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये देखिए एकदम परफेक्टली जो हमारा ये मिर्ची वड़ा है वो तैयार हुआ है अंदर से। तो एक मैं एक कट करके दिखा रही हूँ आपको कि स्टफिंग भी हमारी देखिए एकदम अच्छे से इसमें गई है और अंदर से मिर्ची जो है वो भी हमारी कुक हो गई है। तो ये देखिए बहुत ही देखने में जितना टेस्टी लग रहा है खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी। और अगर ये वीडियो पसंद आए है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।